हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स बाय राधिका आज मैं बनाने वाली हूँ एक ट्रेडिशनल राइस की रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ब्रिंजी राइस ब्रिंजी राइस एक फ्लेवरफुल ऐसी राइस की रेसिपी है जो तमिल क्विजीन से आती है काफ़ी पुरानी ये रेसिपी है एक बार जरूर ट्राई करके देखिए तो चलिए देखते हैं रेसिपी यहाँ पे मैंने लिए हैं एक कप जितने बासमती चावल यहाँ आप दिल्ली राइस ले सकते हैं इसे मैंने धो के भिगो के रखा है यहाँ पे हम बनाएंगे एक पेस्ट जिसके लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन हरी मिर्च और सौफ इसको हमें पानी डालकर पीस लेना है इसकी पेस्ट बनानी है ये देखिए इस तरह से राइस बनाने के लिए हमने ली है यहाँ एक कढ़ाई इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल तेल हल्का गर्म होते ही इसमें जाएगा थोड़ा घी घी से राइस का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है जैसे ही तेल और घी गर्म हो जाए इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे तेज पत्ता स्टार फूल पत्थर फूल और दालचीनी बिंजी का मतलब है तेज पत्ता ये तेज पत्ते से फ्लेवर्ड किया हुआ राइस ऐसा कहा जाता है ये काफ़ी ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि शादियों में अक्सर बनाई जाती है अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है इस तरह से काट के हमें इसे हल्का भुनना है जब तक कि ये कलर हल्का बदल ना जाए कहा जाता है कि ये राइस तब से बनाया जाता है जबकि बिरयानी और पुलाव नहीं बनाए जाते थे अगर आप इसके फ्लेवर की बात करें तो ये कहीं बिरयानी और पुलाव के बीच में आता है इसका टेस्ट बिरयानी से और पुलाव से काफ़ी अलग होता है अब इसमें जाएगी हमने बनाई हुई अदरक लहसुन मिर्ची सौफ़ की पेस्ट और इसे भी हमें अच्छे से भुनना है इसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जिसका स्वाद काफ़ी अलग होता है जिसकी वजह से ये राइस काफी अलग टेस्ट करता है अब इसमें जाएंगे थोड़े करी पत्ते एक टमाटर को मैंने लंबा काट लिया है अब इसे भी हमें अच्छे से भुनना है जैसे ही टमाटर हल्के भुन जाते हैं अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ आप अपने पसंद की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने गाजर बीन्स और आलू का इस्तेमाल किया है ये सब्जियाँ मैंने बड़े टुकड़ों में काट ली है इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ये सब्जियों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है अब इसमें जाएंगे पुदीना के पत्ते मैंने इसे बिना तोड़े ऐसे ही डाला है अब इसे हम अच्छे से फिर से मिला लेंगे अब इसमें जाएगा धोके सोक करके रखा हुआ चावल चावल को हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि ये सूक किया हुआ है ये आसानी से टूट सकता है अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक अब इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से राइस काफ़ी अलग टेस्ट करता है वो है नारियल का दूध यहाँ पर एक कप नारियल का दूध हमें डालना है इससे काफ़ी अलग फ्लेवर आता है और इसमें डालेंगे थ्री फोर्थ कप से एक कप के करीब पानी और इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है ये आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है इसकी खुशबू पकते हुए भी काफ़ी बढ़िया आ रही है अब हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि यह राइस पक ना जाए पंद्रह मिनट में ये राइस आराम से पक जाता है ये देखिए देख सकते हैं इसे मैंने बीच में एक दो बार मिक्स भी किया था गर्मा गर्म फ्लेवरफुल और उतना ही कलरफुल ऐसा ब्रिंजी राइस एक बार जरूर ट्राई करके देखिए गर्मा गर्म ब्रिंजी राइस खाने के लिए तैयार है